फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। बसंत कुंज इलाके में 4 फ्लैट से लाखों की ज्वेलरी और कैश ले उड़े चोर। सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी फिर भी नहीं रुक रही है चोरी की वारदात। दिल्ली में चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वो चाहे क्लस्टर का इलाका हो या पॉश इलाका हो, कोई भी इलाका चोरी की वारदात से अछूता नहीं है। ताजा मामला बसंत कुंज के कावेरी अपार्टमेंट का है। यहाँ दिन दहाड़े 4 फ्लैटों में लाखों की चोरी हुई और चोरों ने दिन दहाड़े फ्लैट के ताले तोड़कर घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जब फ्लैट में कोई नहीं था, सभी अपने अपने काम पर घरों में ताला बंद करके गए थे, उसी बीच चोरों ने खाली घर को अपना निशाना बनाया है। सुने बाइट। अभी पता लगा है कि ब्लॉक नंबर 8 में भी 2 चोरी हुई हैं, ब्लॉक नंबर 9 में भी 2 चोरी हुई हैं। जैसे जैसे लोग अपने ऑफिस से घर आते जा रहे हैं, उनका पता लगता जा रहा है कि ये चोरियाँ हो चुकी हैं उनके घरों में, और लाखों रुपये का गोल्ड, कैश, लैपटॉप, मोबाइल्स भी सबके चोरी हुए हैं। अभी जैसा देखा जा रहा है कि पुलिस ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी टीम आई हुई है और देख रहे हैं वो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि दिल्ली कितनी बड़ी सोसाइटी है, कावेरी अपार्टमेंट, सिक्योरिटी पॉइंट से क्या कैमरे हो यहाँ पर लगाए गए, RW कोई काम करती है यहाँ पर? देखिए, RW की तरफ से हर ब्लॉक के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन आज सुपरवाइज़र ने मुझे बताया कि कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा है उनका। और ये बहुत ही दहशत और डरावने वाली घटना है कि जिसने लोगों को हिला के रख दिया। जो सीनियर सिटीज़न है सोसाइटी के, जो एक सिंगल रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर, उनके लिए तो ये बहुत ही एक चिंता वाली घटना बन गई है, विषय बन गया है ऐसा कि उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। आज सोसाइटी के अंदर लोगों को रोक लिया जाता है अंदर आने से, लेकिन जो बाहर का आदमी है जिसकी गाड़ी पर स्टिकर नहीं लगा हुआ है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। आज ये बताया जा रहा है कि जो चोरी हुई है वो कोई स्कूटी पर आया था बंदा, जो इन्होंने RW की टीम ने एक किसी को बताया है कि इस तरह का है, उसको कैसे आने दिया गया अंदर। उसने कोई घर बताया होगा, कोई जब हमारा टाइम था तो नो ब्रोकरहुड एक ऐप हम लेके आए थे, कोई भी बाहर का आदमी जब कॉलोनी के अंदर आता है तो उसको उस घर के तरफ से अप्रूवल आता है पहले। आज इस स्कूटी वाले के लिए वो अप्रूवल किस घर ने दिया, RW ये क्यों नहीं बता पा रही है। 1681। अच्छा, कब पता चला आप लोगों को जो चोरी हुई? मेरी बिटिया सुबह 6:56 पर घर से गई है, तो हम 1:40 पे घर पर वापस आए, तो हमारा घर चोरी हुई। अच्छा, क्या क्या लॉस हुआ, कुछ पता चला? किसी हमारा गोल्ड गया है, मंगलसूत्र गया है, 3 अंगूठियां गई हैं, चैन गई है, 2 ब्रेसलेट गए हैं, कैश गया है। अभी मैं ऑफिस से वापस आया 6:15 पे, आते ही देखा बाहर वाला ताला मिसिंग था। अच्छा। और अंदर आया, देखा टेबल पे लैपटॉप मिसिंग है, चार्जर मिसिंग है, ये साइड में मेरा पर्स पड़ा था, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट थे, सब पर्स मिसिंग। ज्वेलरी वो भी कुछ लेके गए? ज्वेलरी वगैरह उन्होंने सब पीछे बेडरूम को खोल के चेक खोला, खाली सब कपड़े फेंके हुए हैं, बट उसमें ऐसा कुछ था नहीं, जो उन्होंने कुछ ऐसा कपड़े ही हैं, सब बिखरे हुए हैं, बट कुछ उसमें से कुछ नहीं है। मेनली ये लैपटॉप एंड पर्स जो है, ऑल क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स वर देयर इन दैट। आपके घर में चोरी हुई थी? मैं तो अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, बस में देख रहा हूँ, मेरे घर पे चोरी हुई है। और मतलब और क्या बोल सकता हूँ। कितने बजे करीब आप गए थे, तब आपने लॉक लगाया था? मैं गया था ऑलमोस्ट 9 बजे सुबह, 9:30 बजे के बीच में मैं निकलता हूँ, 6-7 बजे तक मैं ऑफिस से आ जाता हूँ। अभी मैंने देखा तो ये पुलिस की टीम खड़ी थी, मैं आके देखा तो मेरा गेट वगैरह खुला हुआ था और अंदर से सामान पूरा बिखरा हुआ था। कितना क्या कुछ पता चल पाया, क्या क्या लेके गए चोर? फिलहाल मुझे लग रहा है मेरे लैपटॉप चोरी हुआ है। हमारी सोसाइटी में अभी अभी मुझे पता चला है कि 4 घरों में चोरी हो गई, तब से मुझे तो इतनी दहशत हो गई है और मैं तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और हम लोग बुजुर्ग रहते हैं घर पे, अब तब से मुझे इतना डर लगा रह रहा है, अब घर में सोच रही हूँ कि रात को कैसे कहीं कहाँ सेफ है, कैसे हैं, क्या है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे दिन दहाड़े ये घटना हुई, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? मैं इसमें तो बस मैं भय का एक माहौल बन गया मेरे मन में तो, और सब लोग बड़े हैरानी से पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया।